हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जस्ट रिव्यूड। आज हम रिव्यू करेंगे लैक्टोकैलामाइन पिरामल का लैक्टोकैलामाइन डेली फेस केयर लोशन। इसमें दो ऑप्शंस होते हैं, एक ऑयल बैलेंस होता है जो मेरे पास है यहाँ पे, और एक और होता है वो ड्राई स्किन के लिए होता है। ये ऑयली स्किन के लिए है ऑयल बैलेंस केओलिन क्ले थेरेपी। ये एक्सेस ऑयल को एब्जॉर्ब करता है और ये ऑयली स्किन के लिए होता है। लैक्टोकैलामाइन बेसिकली आप इसे एज अ क्रीम एज अ लोशन अप्लाई कर सकते हैं अपने पूरे फेस पे, डे टाइम में, नाइट टाइम में, जब आपको दिल चाहे आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने परचेज़ किया था नाइका से। इसकी जो MRP मेंशन है वो यहाँ पे है 130 रुपीज़, 130 रुपये मैंने नाइका से परचेज़ किया था। ये मुझे 111 का मिला था, यानी कि 111 रुपीज़ का। क्वान्टिटी इसकी कितनी है आइए देख लेते हैं। ये कुछ इस तरह से मिलेगा, कोई कार्टन में नहीं मिलेगा किसी तरह से, ये बस ऐसे ही अवेलेबल होता है। एक क्लियर शीट से सील्ड होता है और यहाँ से ये सील होता है, ये जो कैप है ना ये यहाँ से सील होगा। इसकी जो क्वांटिटी है यहाँ पे मेंशन है, जो कि आपको दिख रही होगी, 60 ml, 60 ml है 130 रुपीज़ में। डिस्काउंट पे ये कुछ ना कुछ 5%, 10%, 15% डिस्काउंट पे MRP से लेस मिल जाएगा आपको। लैक्टोकैलामाइन करता क्या है? ये ऑयली स्किन के लिए है। जो पर्पल वाला है मेरे पास, एक ग्रीन वाला होता है, वो ड्राई स्किन के लिए होता है। जिसकी जैसी स्किन हो वो वैसे लेके यूज़ कर सकता है। ये एक ऑयल बैलेंस्ड स्किन, नेचुरली मॉइस्चराइज्ड स्किन, जो क्रैक ना हो और जो स्ट्रेची फील ना करे, यूथफुल हो, उसके लिए ये है लैक्टोकैलामाइन। ये किस तरह से काम करता है आइए देख लें। जैसा कि यहाँ पर ही मैंशन है, इसमें तीन सबसे पावरफुल इन्ग्रीडियंट्स हैं, केओलिन, जिंक ऑक्साइड एंड ग्लिसरीन। केओलिन क्या करता है, वो नेचुरल मिनरल्स को, दैट उसमें नेचुरल मिनरल्स होते हैं केओलिन में, जो कि एब्जॉर्ब करता है एक्सेस ऑयल को बिना आपके चेहरे के एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को रिमूव किए हुए। जिंक ऑक्साइड क्या करता है, एंटी जर्म प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो कि पोर्स जो होते हैं ना, जो फेस पे ऐसे छोटे छोटे छेद होल्स जिसे कहते हैं पोर्स, वो पोर्स जो होते हैं ना उन्हें अनक्लॉग करता है। मतलब उसमें अगर कोई गंदगी या मैल या अगर वो ब्लॉक हो रहे हो तो उन्हें अनब्लॉक करता है, उन्हें खोलता है। ग्लिसरीन क्या काम करता है, ग्लिसरीन रिटेन्स करता है नेचुरल मॉइस्चर को, प्रिवेंट करता है एक्सेसिव ड्राइंग ऑफ द स्किन को। ग्लिसरीन को हम विंटर्स में भी जैसा कि यूज़ करते हैं रोज़ वाटर के साथ, वो आपकी स्किन को ना ज़्यादा ड्राई होने से प्रिवेंट करता है, बट उसे ज़्यादा ऑयली भी नहीं करता है, एक बैलेंस बना के रखता है। जितना फेस पे होना चाहिए मॉइस्चर उसे मेंटेन करके रखता है, ये है ग्लिसरीन का काम। इसमें ये तीनों सबसे पावरफुल इंग्रेडिएंट्स हैं, केओलिन, जिंक ऑक्साइड एंड ग्लिसरीन। इसके जो नॉर्मल इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी हम बात कर लें, उसमें एक्वा, केओलिन, कैस्टर ऑयल, PEG 100, स्टीयरेट, ग्लिसराइल स्टीयरेट, जिंक कार्बोनेट, फिनॉक्सी इथेनॉल और ग्लिसरीन है, जैंथेन गम है, सिट्यूराइल अल्कोहल है, हैमिलिस वर्जीनिया है, एक्सट्रैक्ट है उसका हेजल का, और परफ्यूम है। मेन इंग्रेडिएंट्स की हमने बात कर ली है, जो कि केओलिन, जिंक ऑक्साइड और ग्लिसरीन है। अब हम बात करते हैं कि ये मैन्युफैक्चर्ड कहाँ होता है। ये मैन्युफैक्चर्ड होता है, ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, मुंबई में। अब हम इसे ओपन करके देखेंगे। जब आप परचेज करते हैं तो ये यहाँ से सील होता है, जो कि आप देख रहे होंगे मैंने इसे यूज़ किया तो इसलिए इसकी सील टूटी हुई है। जब भी आप इसे यूज़ करेंगे ना, आप सबसे पहले इस बॉटल को अच्छे से शेक कर लेंगे, शेक करके उसके बाद आप इसे ओपन करेंगे। इसकी स्मेल बहुत बहुत अच्छी है, इसकी स्मेल ये है, ये इतने ये देखिएगा, ये पिंक कलर का लोशन है। ये नॉर्मल कंसिस्टेंसी है, ना ही ज़्यादा थिक है ना ही ज़्यादा थिन है। मैं इसे लगा के दिखाऊंगी आपको, ये देखिए इसकी स्मेल बहुत अच्छी है। जैसे एक बार अगर आपने लगा लिया ना, तो फिर आप अगर फेस वॉश भी करेंगे ना तो भी इसकी स्मेल आएगी। ये बहुत अच्छे से मर्ज हो जाता है, बहुत ही स्मूथ है ये। मैंने क्वांटिटी ज़्यादा ली थी इसलिए ये अभी वाइट वाइट हो रहा है। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नॉर्मली फेस पे ज़रूरी नहीं होता लगाना, आप थोड़ा सा लेंगे वो कम्प्लीटली मर्ज हो जाएगा एकदम। और मर्ज होने के बाद ना आपको कुछ इस तरह का दिखेगा, ये देखिए, मर्ज होने के बाद ये कम्प्लीटली ऐसा हो जाएगा, एकदम इवन कर देता है ये स्किन को बिल्कुल करने के लिए।
यहाँ मैंने लैक्टोकैलामाइन लगाया है, बिल्कुल इवन है, और यहाँ मैंने नहीं लगाया है। ये स्किन कैसी हो रही है, ये है डिफरेंस, इसमें लगाया है और इसमें नहीं लगाया है। लैक्टोकैलामाइन नॉर्मली भी अगर आप लगाते हैं ना, जिन लोगों को चिकन पॉक्स के अगर स्पॉट्स है या ऐसे भी अगर फेस पे स्पॉट्स है, अगर उन्हें क्लियर स्किन चाहिए या विंटर्स में अगर लगाना है कोई लोशन एज अ डे क्रीम नाइट क्रीम, आप लैक्टोकैलामाइन बहुत आराम से लगा सकते हैं। बस ये है, जब लगाना हो आप इसे शेक कर लें, बॉटल को बहुत अच्छे से शेक करके उसके बाद ओपन करें। इतना तो ये जो इसकी लिड है ना, ये कवर है ढक्कन, इस ढक्कन में इतना होता है ना कि आप इसे ही फिंगर से ले लेके लगा लेंगे ना, उतना बहुत होगा। आप जितनी बार शेक करेंगे ये इसमें आ जाता है, आप इतना ही लेके लगा सकते हैं। पिंक कलर का ये लोशन है, बहुत ही अच्छा है, स्किन बिल्कुल इवन कर देता है। आप फाउंडेशन के पहले एज अ बेस भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, और नॉर्मली डेली वेयर में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। स्कूल कॉलेज कहीं जाना हो आप इसे लगा ले, और इसके ऊपर अगर आपको कॉम्पैक्ट लगाना है, नॉर्मल लूज पाउडर लगाना है, जो लगाना है आप आराम से लगा सकते हैं। ये सबके साथ जाता है, इसके ऐसे कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है कि किसी और ब्यूटी प्रोडक्ट्स के साथ अगर लगाया तो कोई प्रॉब्लम होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इसे लगा के ट्राई कर सकते हैं, समर्स के लिए भी, विंटर्स के लिए भी। आपकी जैसी स्किन हो, ऑयली हो या ड्राई हो, उस अकॉर्डिंग ये दो वेराइटीज़ होती हैं इसकी, मार्केट में अवेलेबल होती है। या ऑनलाइन अगर आपको परचेज़ करना है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, आप इसे ज़रूर परचेज़ करें, यूज़ करें, और आपको कैसे इसके रिजल्ट्स मिले कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको किसी और प्रोडक्ट पे अगर रिव्यू चाहिए तो वो भी कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर करें बाकी लोगों में, ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिले। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए प्रोडक्ट के रिव्यू के साथ।